और कैप्टन अमेरिका मुझे किसी यूनिवर्स में मिला ना, तो इनको मैं लेके आऊंगा, इनको लेके आऊंगा, चाहे डूम के रूप में लाओ, टॉर्च के रूप में लाओ, लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबसे, ठीक है। अरे ओची लोग हैं हम लोग। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरव झा एंड एजाज खान के कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोगों को पता है कि पूरव झा का क्या कुछ लफड़ा हुआ था एजाज खान के साथ। बेसिकली एजाज खान ने गाली वगैरह दे दिया था पूरव झा को, पर अभी दोबारा से ट्रोल कर दिया है पूरव झा ने एजाज खान को। क्या कुछ कहा पूरव झा ने एजाज खान को, देखिए आप लोग। बाकी देखो भाई, कोई हेट हूट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। कोई किसी को इधर गाली नहीं देगा, कोई मेरी जनता नहीं, कोई दूसरे की जनता नहीं, कोई किसी को गाली गलौच नहीं। भाई मजे करो, वीडियो है, एंटरटेनमेंट है, फन के लिए लो, फन के लिए बात खत्म करो, ठीक है। कोई मेरे को, तुम्हें पता है भाई, तुम्हारा भाई ना ये लफड़ाबाजी फसड़ों में इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, ठीक है। फालतू की कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं चाहिए, अपने पास बहुत काम है, टैलेंट वैलेंट भी है थोड़ा बहुत भगवान की दया से, तो अपने को वो करने। इतना ही नहीं, दोबारा से पूरव झा ने काफी गंदे तरीके से ट्रोल कर दिया है एजाज खान को, देखिए आप लोग। ये जो मार्वल के फैंस मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं ना कि आरडीजे मार दिया, क्रिस एवेंस मार दिया, तुम्हारा ये आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मुझे किसी यूनिवर्स में मिला ना, तो इनको मैं लेके आऊंगा, इनको लेके आऊंगा, चाहे डूम के रूप में लाओ, टॉर्च के रूप में लाओ, लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबसे, ठीक है। अरे ओची लोग हैं हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं अरमान मलिक की वाइफ पायल मलिक के बारे में। तो पायल मलिक को सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा है। अगर तो आप पायल मलिक का व्लॉग वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि वो काफी ज्यादा क्लिकबेट वगैरह करती है। जैसा कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें वो कह रही थी कि मैं अरमान मलिक से डाइवोर्स लेने वाली हूँ सिर्फ इसलिए कि पब्लिक हेट दे रही है। तो इसी चीज पे एक्सपोज करते हुए दिखे पायल मलिक को, क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए आप लोग। ब्लैक वन टिकट बोल के इन चीज को जस्टिफाई करना बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है और बहुत वीक डिफ्लेक्शन है। पायल भाभी, तुम्हारे रिलेशनशिप की अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम उसको मैनेज करो ना। पब्लिक के डिसीजन से तुम अपना डिसीजन चेंज करोगी क्या? इतने बेवकूफ हो? पब्लिक का ओपिनियन इतना मैटर करता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के डायनेमिक्स वो इफेक्ट कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी पर्सनल लाइफ के डायनेमिक्स बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते अगर आप एक्चुअली में कंसर्न हो अपनी रिलेशनशिप के बारे में या अपने बच्चों के बारे में। देखो, आप लोगों ने पब्लिक लाइफ चूज करी है, ऐसे पब्लिक रियलिटी शो में गए, तो इसको समझो कि आप पब्लिक आई में हो और पब्लिक क्रिटिसाइज भी करेगी, प्यार भी करेगी तो क्रिटिसाइज भी करेगी, उसके लिए तैयार रहो। लॉजिक के साथ अपने आर्गुमेंट्स रखो, ना कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। और जनरल रेजोल्यूशन पता कैसे आएगा? अपने रिलेशनशिप की अपनी इतनी चिंता है तो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक में हर चीज बोलने के बजाय इंटेग्रिटी, प्राइवेट इंटेग्रिटी के साथ उन चीज को डील करो और सही डिसीजंस लो। जब अरमानु कृतिका है तो उनसे बात करो, ना कि पब्लिक में हर चीज डिस्कस करो। पब्लिक में आप हर चीज इसलिए डिस्कस करते हो क्योंकि आपको उस चीज से व्यूज चाहिए, बिकॉज यही एक तरीका है जिसने आपको फेम दिया है। तो आपको पता है कि हर चीज के बारे में एक क्लिकबेट थंबनेल बनाना है, एक टाइटल बनाना है और उस पर बात करनी है। पर आई एम हियर टू डीकोड एंड शो द रियलिटी ऑफ यू गाइस टू द पीपल एंड दैट्स व्हाट माय कंटेंट स्टैंड्स फॉर। अब इस बात का अगर जवाब हो तो पायल जरूर बोलना। और ये जो धमकियां हैं जो तुम दे रही हो आजकल, मेरे को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं यहाँ पे दे रही हूँ कंप्लेंट। ये बच्चों को दे देना, मेरे को लॉजिक चाहिए है। चलिए अब बात करते हैं एल्विश यादव एंड कटारिया के बारे में। तो कल बिग बॉस के हाउस में वोटिंग कराया गया जिसमें लिखा था कि जिस नॉमिनेटेड सदस्य को घर से बाहर होना चाहिए उसको वोट करें। तो ये जो लाइन है इसे एल्विश यादव के फैंस ने सुनी ही नहीं, कटारिया के फैंस ने देखी ही नहीं एंड उन्होंने सीधा जाके कटारिया को वोट कर दिया। अब फैंस को ये लग रहा था कि वो कटारिया को वोटिंग से बचा रहे हैं, लेकिन असल में लोगों ने ऊपर पढ़ा ही नहीं था कि वो तो इसलिए वोटिंग कराई गई थी कि आप किसको निकालना चाहते हो घर से बाहर। तो इसी के ऊपर एल्विश यादव ने पब्लिक से डिमांड किया कि ऐसा मत करो और क्या कुछ कहे उन्होंने, देखिए आप लोग। भाई जो क्वेश्चन चल रहा है जियो सिनेमा पे कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते, उसमें कटारिया को वोट मत करो भाई, तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को। तो इस चीज में पढ़ के करो सारी चीजें, पढ़ के, ऐसे नहीं अंधाधुंध कटारिया पे बटन दबाना, नहीं भाई। जय श्री राम भाई सभी को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, क्योंकि टेक और में क्वेश्चन चल रहा है कि आप किसको घर से बाहर निकालना चाहते हो और आप लोगों ने भाई बिना पढ़े लवकेश कटारिया को वोट कर दिया है। इस वाले टेक और में भाई लवकेश कटारिया का वोट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वोट करोगे तो भाई वो घर से बाहर हो जाएंगे और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो भाई क्वेश्चन ये है कि आप किसको घर से बाहर करना चाहते हो, तो भाई लवकेश भाई के अलावा हम सबको घर से बाहर चाहते हैं। तो भाई जब भी आप वोट करो बस ये ध्यान रखना कि किसने हमारे भाई के साथ गलत करा, किसने हमारे भाई को हाथ लगाया, किसने हमारी माँ को गाली दी, क्योंकि भाई देखो उसका मुंह चल रहा है, उसने हमारी माँ को गाली दी, उसने हमारे भाई के साथ मतलब बदतमीजी करी, हाथ चलाए। तो भाई आप उसको अपने वोट की पावर दिखा दो, अपनी पावर दिखा दो और भाई बाकी आपको पता है किसको वोट करना है, किसको नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसको घर से बाहर निकालना है उसे वोट करना होगा, तो इस पे मैक्स्टर ने कहा अरमान मलिक को मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको वोट करो और क्या कुछ कहा, देखिए आप लोग। भाई मैं अरमान मलिक को सपोर्ट कर रहा हूँ, सब लोग जाके
अरमान भाई को वोट कर दो भाई, ठीक है? अभी जाओ जियो सिनेमा पे, वोट फॉर अरमान मलिक भाई। किसी को वोट मत दो, कटारिया कोई मत दो, सना मकबूल कोई मत दो, ये सब ऐसे कह रहे हैं, अरमान भाई को दो भाई वोट अभी। किया तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।